ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्ट अबाउट द क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आज हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वी नो द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस इफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए इज एक्स वन वाई वन एंड बी इज एक्स टू वाई टू, देन द डिस्टेंस फार्मूला डी इक्वल टू x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। For example, हम देखते हैं, find the distance between the points 2, 5 and point B 3, 8. Find the distance between them. Then we use this formula and we get b equal to under root 3 minus 2 whole square प्लस 8 माइनस 5 होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट 3 माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इट मीन्स दैट 1 प्लस 9 दैट मीन्स अंडर रूट 10। दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। आफ्टर दैट वी सी द सेक्शन फार्मूला। यू नो दैट व्हाट इज सेक्शन फार्मूला। वी नो दैट इफ देयर इज two coordinates A and B whose coordinates are x1, y1 and x2, y2. If P is any point which cuts the AB into m1 into m2 ratio, then the coordinate of P, क्या होगा? देख लीजिए, x इक्वल टू m1 x2, m1 जो है x2 के पास जाएगा और m1 जो है x1 के पास जाएगा। इट मींस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। We taking positive for internally division के लिए हम positive लेते हैं और यहीं पे अगर हम negative कर देते हैं तो negative for externally division के लिए होता है। अब हम क्या देखेंगे section formula पे हम example देखेंगे, ठीक है? Okay, we see the examples on section formula। हमें पॉइंट P, ए बी कोई लाइन है जिसको पॉइंट P 2:3 के रेशियो में कट करना है। इट मींस दैट m1 इक्वल टू 2 एंड m2 इक्वल टू 3। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P? यू सी दैट x इक्वल टू m2 x1, m2 x1 एंड m1 x2। इट मींस दैट 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। व्हाट विल बी 3 टू द 6 प्लस 16 अपॉन 5 दैट मींस 22 अपॉन 5। दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 2 इनटू 6 प्लस 2 इनटू 6 m1 y2 प्लस m2 y1 3 इनटू 5 अपॉन 2 प्लस 3 दैट मींस 12 प्लस 15 अपॉन 5 which gives 27 upon 5, that is the value of y. It means that the coordinate of P will be 22 upon 5 and 27 upon 5. This is the coordinate of P which intersects the AB at point P into the ratio 2:3. Okay, students. Now, अब हम देखेंगे कि if A and B कोई टू पॉइंट्स है और दिस इज कट बाय एनी आल्सो एक्सिस, अगर ये किसी एक्सिस द्वारा कट किया जाए और उसका रेशियो नहीं दिया हो, तो अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो ऑलवेज यू टेकिंग केस टू वन। अंडरस्टैंड, हम रेशियो हमेशा केस टू वन के फॉर्म में लेंगे। दूसरी बात ये कह रहा है इट इज कट बाय एक्स एक्सिस, अगर x एक्सिस द्वारा करें तो इसका कोऑर्डिनेट p का आप हमेशा x कामा 0 लीजिएगा। इट मींस दैट y विल बी 0 एट दिस पॉइंट।
और अगर कहे कि कट बाई वाई एक्सिस, तो हमेशा क्वाड्रेंट आप जीरो कामा वाई। ओके स्टूडेंट्स, इफ यस से कट बाई वाई एक्सिस, तो हम देखते हैं कट बाई एक्स एक्सिस के लिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, एक्स इक्वल टू, सबसे पहले हमें के की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, तो हम लेंगे जीरो इक्वल टू वाई की वैल्यू के इंटू ए प्लस वन इंटू थ्री अपॉन के प्लस वन, दिस इज गोन आउट राइट लेफ्ट हैंड साइड, देन इट विल बी जीरो, जीरो इक्वल टू एट के प्लस थ्री, इट मीन दैट के इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन ए। एक बात और, इफ के की वैल्यू पॉजिटिव आएगी देन इट विल बी इंटरनली इंटरसेक्ट, तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर के की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी तो हम कहेंगे इट विल बी कट एक्सटर्नली, तो वो हमारा क्या कट करेगा, एक्सटर्नली कट करेगा। ओके, तो के की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम सब 3:8 लेंगे। अब हमको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, देन एक्स वैल्यू भी क्या हो जाएगा, या के की वैल्यू लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा 8। ओके, तो आप लिखेंगे क्या, 3 × 6 प्लस 8 × 2 अपॉन 3 प्लस 8 दैट 18 प्लस 16 अपॉन 11, इट मीन्स दैट 34 अपॉन 11, इट मीन्स दैट द क्वाड्रेंट विल बी 34 अपॉन 11 कामा 0, दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ पी। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स। अगर कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स की बात हम करते हैं तो इसके दो तरीके हैं, एक ट्रिकी मेथड है और एक आपका जो एनसीईआरटी मेथड है। अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, और अगर कहें कि तीनों कोलिनियर, कोलिनियर की बात करें तो इसमें दैट एक ही लाइन पे स्थित होगा। अगर इफ इट इज नॉट कोलिनियर, इट मीन दैट ए यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे, तो वी सी दैट इट मेक अ ट्राइंगल, और अगर वो ट्राइंगल बनाएगा तो पक्का है उसका कुछ न कुछ एरिया होगा। तो बाय एरिया के फार्मूले से हम ट्रिकी मेथड से कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ पी, देखते हैं। तो फर्स्टली वी टेकिंग 2, 3, 5, 6 पी वन, अगेन वी टेकिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट 2, 3 इक्वल टू जीरो कर दीजिए। आफ्टर दैट वी टेकिंग बाय एरिया फार्मूला, इसको हम डायगोनली इंटरसेक्ट करा के मल्टीप्लाई करा के एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 12 + 5 + 3 इन वन ब्रैकेट। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको अगेन डायगोनली मल्टीप्लाई करके, इट मीन दैट 2 + 6 + 15 इक्वल टू जीरो कर देंगे, बिकॉज एरिया विल बी जीरो इफ 3 lines are in collinear, तो यहाँ पे आएगा 17 + 3p - 17 + -6p इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमने देखा 17 कट आउट हो जाएगा, -3p इक्वल टू 0, दैट मीन्स p इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, इट मीन्स दैट ये जो पॉइंट p मिलेगा उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। This is the tricky method to find any also unknown coordinate if 3 points are in collinear. अगर 3 points जो है collinear हो, अगर कोई एक unknown point हो, तो उसको find करने का एक tricky method, ठीक है? Yes sir. Last एक example और देख लेते हैं, 1p 2 1 5 0, again we taking 1p equal to 0, डायगोनली मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट लिखेंगे 1 + 0 + 5p इन वन ब्रैकेट, माइनस डायगोनली मल्टीप्लाई करके अंदर ब्रैकेट रखेंगे 0 + 5 + 2p = 0, यहाँ पे मिलेगा क्या हमें 1 + 5p - 5 = 0, तो यहाँ पे 3p = -
4 3p इक्वल टू माइनस 4 2 साइड जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा इधर p इक्वल टू 4 बाई 3 इतनी दैट ये जो अननोन वैल्यू p है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 4 बाई 3 और अगर हम p की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स। यस सर।